हमीरपुर में डूबने से बाइक सवार दो लोगों की हुई मौत, नाले पर बने रपटे से फिसल कर डूबने से हुई मौत। शाहजहांपुर में बदमाश ने घर में घुसकर महिला को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाना रामचंद्र मिशन के तवगरगंज मोहल्ले का मामला। कानपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, मोहल्ले में मचा हड़कंप, रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत, बच्चों ने बरसात का जमकर उठाया मजा। बस्ती में राजस्व की टीम को दबंगों ने भगाया, पैमाइश करने पहुंची टीम को दबंग रजमणि ने धमकाया और नायब तहसीलदार की टीम हुई वापस। देवबंद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हमले को लेकर बड़ी खबर, अमेठी में हमले से जुड़ा फेसबुक का पेज आया सामने, क्षेत्रीय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को दी गई थी धमकी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। टिहरी में गैस सिलेंडर से गाड़ी में लगी आग, टिहरी गढ़वाल के मथेला मलेथा टिहरी रोड का मामला। सहारनपुर में नाली में गिरी स्कॉर्पियो का, लोगों ने कार सवारों को बाहर निकाला, सड़क पर डाले गए कीचड़ की वजह से गिरी कार, गंगोह क्षेत्र के गांव चमनपुरा का मामला। सोनभद्र में मालिक के हत्या मामले में एसपी ने चौकी प्रभारी को किया सस्पेंड, मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में मस्जिदों में ईद उल जुहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, ईदगाह में डीएम और सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दी मुबारकबाद। अमरोहा में गाड़ी के बोनट पर बैठकर रईस जादे कर रहे हैं स्टंटबाजी, स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, रहरा थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का बताया जा रहा है वीडियो। कन्नौज में हथियारों से लैस बदमाशों ने इत्र कारोबारी को बनाया निशाना, कारोबारी को बंधक बनाकर घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, सदर कोतवाली के यूसुफ नगर भगवान मोहल्ले का मामला। ललितपुर में 4 बाइक सवार लुटेरे ने सराफा व्यापारी को बनाया निशाना, सराफा व्यापारी से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की गई, खीतमास कोतवाली का मामला। कन्नौज में पूर्व प्रधान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी, सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरी इलाके के कीरतपुर में हुई घटना। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 4 बदमाश को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, खीरो थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में सारसों की संख्या बढ़ी है, 92 सारस से बढ़कर 231 सारस हो गए हैं, जिले के 3 वन विभागों में एक साथ 4 पालियों में की गई थी गणना। नोएडा में गर्मी के बीच मौसम में हुआ बदलाव, तेज बारिश से मौसम में आई गिरावट, बारिश के बाद जिले के कई इलाके हुए जलभराव और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में रहने वाली है ऐसे ही अनुमान। बांदा में शहर के कई मोहल्लों में जलभराव के जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, लोग परेशान हैं, नालियों की सफाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बारिश से सड़कों पर लगा जाम, नोएडा कुलेसरा मार्ग में किया गया लंबा जाम। सहारनपुर में एक बकरीद पर अदा की गई नमाज, नमाज के दौरान डीएम एसपी और रहे मौजूद, सभी से शांतिपूर्ण बकरीद मनाने की अपील। सोनभद्र जिले में शांतिपूर्वक बकरीद की नमाज की गई अदा, सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में फोर्स तैनात थी, पुलिस समुदाय से मुस्लिम समुदाय से चुनिंदा जगहों पर कुर्बानी देकर दूसरों से गले लगे। वाराणसी में ईद उल जुहा नमाज अदा करने भारी संख्या में नमाजी पहुंचे, जमा मस्जिद बकरीद के पर्व पर लेकर सभी लोग वहां पर उत्साहित दिखाई दिए, कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई ईद की नमाज। बुलंदशहर में अमन चैन से ईद उल अजहा पर अदा की गई नमाज और नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी रखी गई, लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई।
इटा में 129 मस्जिदों और 26 ईदगाहों में शांति और सौहार्द के अदा की गई बकरीद की नमाज और सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ने के प्रशासन ने पूर्व से ही दिए थे सख्त निर्देश। प्रयागराज में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। ईदगाह समेत तमाम मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई है। बकरीद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम सख्त किए हुए। चमोली में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से बाधित हुई हाईवे। बद्रीनाथ और हेमकुंड आने जाने वाले यात्री फंसे हैं। यात्रियों को कर्णप्रयाग, गौचर, पिपलोक, कोटी पर रोका गया। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगह गिरे पेड़ और गंगरोह इलाके में गोरेगांव इलाके में घर पे पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। बुधवार को मलाड पर पेड़ गिरने से शख्स की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई टेंशन। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाके में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सतारा इलाके का मामला। बारिश के साथ ही मुंबई का समंदर उगल रहा है भारी मात्रा में कचरा। जुहू चौपाटी पर लगा कचरे का अंबार। दूर दूर तक पर्यटकों के फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे की भरमार। महाराष्ट्र में बारिश के बाद ठाणे पुलिस स्टेशन का दफ्तर तालाब में तब्दील हुआ। पंप के जरिए की जा रही है जल की निकासी। बारिश और तेज हवा ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बारिश और हवा के कारण उखड़े कई पेड़। आसपास लगी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने का खतरा। उत्तराखंड में पौड़ी, टिहरी और देहरादून में भारी बारिश का अनुमान। ज्यादातर इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे देखने को मिले। सावधानी बरतने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। खरमेर नदी में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। एमपी की डिंडौरी में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। उफनाए पुल को पार करता दिख रहा है बाइक सवार। बिहार के राघोपुर में बना पीपा पुल गंगा नदी के तेज बहाव से टूटकर बह गया। बाल बाल बचे लोगों की जान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र का है राघोपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बारिश ने ही खोली व्यवस्था की पोल। 17 करोड़ की लागत से बन रहा पुल धराशायी हो गया। दुर्ग में पिछले 4 दिनों से जोर से बारिश हो रही। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा। महामरा अनिकेट पर 7 फीट से ऊपर बह रहा है पानी। कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। मध्य प्रदेश के शहडोल में आफत की बारिश देखने को मिली है। स्टेट बैंक के ब्रांच में भरा पानी। डस्टबिन में पानी भरकर जल निकासी करते दिख रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के देवास में अचानक धसा पहाड़। मंदिर का पिलर टूटा। सांसद महेंद्र सोलंकी और प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंडला के 3 जिलों का संपर्क टूटा। थावर नदी के ऊपर बना पुल भी पानी में डूबा। असम में जारी है बाढ़ का कहर। 88,000 लोग अभी भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोग राहत शिविरों में हैं और सड़क पर ले रहे हैं शरण। बारपेटा के 113 गांव पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बड़ा बेतवा नदी का जलस्तर। घूमने आए 6 पर्यटकों के पानी के बीच फंसे रहने की खबर आ रही है। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। प्लेटफॉर्म पर भी बारिश का पानी टपकने से यात्री परेशान। शुरुआती बारिश में ही रेलवे स्टेशन का बुरा हाल।
गुजरात के पोरबंदर में समुद्र तट से करीब 82 किलोमीटर दूर एक रोमानिया के नागरिक को बचाया गया। समुद्र के बीच जहाज में उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा था। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश की वजह से नर्मदा डैम का पानी 119 मीटर से ऊपर उठा। लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। पार्टी के कामकाज को आसान बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट रीजन में बांटा गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है और देश के अलग अलग हिस्सों में 6, 7 और 8 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रीजन के नेताओं के साथ मंथन। राजनाथ के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पूर्व विधायक का छीना माइक और सभा में मचा हंगामा। माइक पर अनाउंस करने को लेकर भिड़े थे बीजेपी के नेता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को जल्द सौंपेंगे दस्तावेज। मसौदे को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो चुकी है। बोर्ड ने कहा 14 जुलाई से पहले दाखिल होगी आपत्ति। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश के हालात बिगड़ेंगे, सरकार कुछ भी बदले मुसलमान अपने मजहब पर ही रहेंगे। लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया है। एनडीएमसी की बैठक में की गई घोषणा, बैठक में नाम बदलने की दी गई थी मंजूरी। 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और सुरक्षित लैंडिंग पर चंद्रयान 3 का फोकस। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ बोले कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगी बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। नेशनल हाईवे पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। प्रयागराज में वीडियो की परीक्षा देते हुए सॉल्वर गिरफ्तार हुआ। दूसरे छात्र का स्थान पर परीक्षा दे रहा था सॉल्वर। अमरोहा में पुलिस ने गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध तमंचा किया बरामद। थाना डिडौली क्षेत्र के सिहोरा नीली खेड़ी रोड का मामला। कानपुर में दबंगों ने युवती को दी धमकी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। किदवई नगर थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायलों को कराया भर्ती। अंबेडकर नगर में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उन्नाव में बकरा चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर का मामला। बदायूं में दुकान में हुई चोरी। चोरों ने लाखों का सामान किया चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्रकूट में सफारी पार्क से तेंदुए को किया रेस्क्यू। रानीपुर टाइगर रिजर्व के चौरी जंगल का मामला। रायबरेली में बुजुर्ग को बंधक बनाकर भतीजे के बेटों ने लिखवाई जमीन। पीड़ितों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। झांसी में न्यायालय के आदेश के बाद थाने में रखी 3500 लीटर शराब को जेसीबी ने किया नष्ट। थाना प्रेमनगर का मामला। अंबेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से 2 की हुई मौत और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का मामला। मुरादाबाद में भैंस ने लोगों को रौंदा और वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद के गशीद नगर का मामला है ये। असलाहपुर मोहल्ले का ये मामला। उन्नाव में ओवरटेक करने के बाद दौरान बेकाबू ट्रक पुल से नीचे गिरी। बांगरमऊ कोतवाली के भिकारीपुर रूल गांव का मामला। बिजनौर में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता। प्रशासन ने गंगा किनारे लेखपाल की लगाई ड्यूटी और थाना मंडावर गंगा खादर इलाके का मामला है। झांसी में बना हुआ पुल बारिश में डूबा और पुल बहने से लोगों का आवागमन रुका।
बुलंदशहर में फंदे पर लटका मिला अविवाहिता का शव। मौत से पहले विवाहिता ने किया वीडियो वायरल, ससुराल वालों को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। देहात कोतवाली क्षेत्र के नीमखेड़ा का मामला। बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आरोप, परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर किया हंगामा। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव का मामला। फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के आरोपों को फांसी देने की मांग की है। सड़कों पर बजरंग दल सहित महिला संगठनों। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में ईद उल जुहा त्योहार ने मनाने को लेकर हिंदू संगठनों ने की बैठक और प्रशासन ने धाम में नमाज अदा ना करने का किया अनुरोध। पिथौरागढ़ में मुंशियारी तहसील बिहार के पूर्णिया में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से जान गंवाने वाली चार महिलाओं को लेकर मुआवजा देने का ऐलान। परिजनों को दो दो नहीं बल्कि चार चार लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। दिल्ली के तैमूर नगर में बारिश के जमा पानी में करंट फैलने से 17 साल के एक लड़के की हुई मौत। बेंगलुरु से अपने मामा के यहां आया हुआ था लड़का। मामले की जांच जुटी है पुलिस। बिहार के हाजीपुर में नौकरी के नाम पर छात्रों से करोड़ों की ठगी की गई है। कमरे में बंद कर युवकों की पिटाई की गई और छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल होने की धमकी देते हुए फर्जी कंपनी चलाने वाले लोग ये थे। मुंबई में एनसीबी की किया इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश और क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता था पैसों का लेन देन। 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के गुना में 5 करोड़ की ठगी करने वाला यूट्यूबर तांत्रिक बाबा गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान बताता था। राजस्थान के नागौर में दरगाह के सदर के घर पर ईडी की रेड पड़ी। करोड़ों की लेनदेन से जुड़ा यह मामला है और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 80 करोड़ की ठगी का आरोप भी लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।